यूनिटी या फिर स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर चार जो शास्त्रीय नृत्य है जो मैंने ब्रैकेट में दिखाया हुआ है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, जो भरतनाट्यम है शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है, और जो यक्षगान है कर्नाटक का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कथक उत्तर प्रदेश का है। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर बगल में आपको यहाँ पर ट्रिक दिया गया है, इसे आप इसे 5 से 6 बार, बस मैक्सिमम बहुत है 5 से 6 बार, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। भरतनाट्यम गान करना पुड़ी आदि कथक उत्तर, भरतनाट्यम गान करना पुड़ी आदि कथक उत्तर, भरतनाट्यम गान करना पुड़ी आदि कथक उत्तर, भरतनाट्यम गान करना पुड़ी आदि कथक उत्तर। इतनी बार करने के बाद आपको ये ट्रिक दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अगर कहीं एग्जाम में आएगा भरतनाट्यम, अगर भरतनाट्यम आया तो सीधे याद आएगा भरतनाडु, भरतनाडु यानी कि भरतनाट्यम जो है ये यहाँ से आपका भरतुआ या नाडु, नाडु यानी कि तमिलनाडु हुआ। अगर फिर आएगा गान करना, गान यानी कि यहाँ पर गान दिखा, गान करना कर्नाटक यानी नाटक करना यानी करना कर्नाटक, यानी इससे याद हो जाएगा आपको। अब पुड़ी आदि यानी कि पुड़ी जो पुड़ी है, और यहाँ से आदि, आदि से आंध्र प्रदेश, और कथक, कथक का उत्तर प्रदेश। और मैं आपको ये बता दूँ, जो कथकली होता है वो केरल का लोक नृत्य होता है। कथकली, कथकली जो होता है, कथकली, कथकली वो केरल का लोक नृत्य होता है। और यहाँ पर दिया है कथक, यानी इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है जो यहाँ कथक दिया है। कथक, कथक उत्तर प्रदेश का ये लोक शास्त्रीय नृत्य है, और जो कथकली होता है वो केरल का लोक नृत्य होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ केरल आ गया, तो केरल में यहाँ आपको दिखा देते हैं, यहाँ जैसे केरल का दिया है कथकली, मैंने अभी ऊपर बता रहा था कथकली और कथक में अंतर मैंने समझाया था अभी, जो मोहिनी अट्टम हुआ, यहाँ का चार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से आते हैं, कथकली, मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम। और इसको याद करने के लिए मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मोहिनी अट्टम हुआ, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, तो जिसमें भी जिस लोक नृत्य में अट्टम आए, अट्टम जैसे कि तीन ही होता है, अभी दूसरा कोई आया नहीं, अभी जो तीन है मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, तो ये केरल का हो जाएगा। और कथकली तो आपको ये याद करना ही होगा, और कथक और कथकली में मतलब नोट, इस फ्रेंड्स जब भी कोई नोट बना, नोट्स तो जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाने में इसको नोट में लिखिएगा, इसे कथकली और उत्तर, ये कथक, कथक के आगे उत्तर प्रदेश और कथकली के आगे केरल, ठीक है। और जो हमारा ट्रिक है इसको याद करने के लिए, इसको कृष्णा और मोहिनी, जैसे यहाँ से हुआ कृष्णा, कृष्णा और ये मोहिनी, मोहिनी काली के साथ जो है, काली, काली कोई लड़की कोई लड़का होगा, काली, काली के साथ कथकली करने गए, ठीक है। अगर ये इस ट्रिक को भी याद कर लेते हैं आप, तो केरल से रिलेटेड जितने भी शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य हैं आप आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। और हमारा अगला जो है, अगला लोक नृत्य जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, उसे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स बिलीव करिए, आपको ये पक्का आप दिमाग में सेट होता जा रहा है, ये जो हमारा यहाँ पर है लोक नृत्य जो इम्पोर्टेंट है, और मैं बहुत थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे कि हर स्टेट के जितने भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य में अगले वीडियो में उसे जरूर बताऊँगा। तो जो ये है बम्बू, बम्बू मेघालय, यहाँ को हो गया ये बम्बू मेघालय, राउ कश्मीर, चोंग नागालैंड, लावनी महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसको हम याद करने के लिए जो हमारा ट्रिक होगा, ये बम्बू मेघ, राउ कश, चोंग नागा, महाराष्ट्र, लाओ, जो हमारा ट्रिक होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था भरतनाट्यम गान करना बताया था, उसको भी, इसे भी कम से कम वीडियो को स्टॉप करके 5 से 6 बार इसको बोल लीजिएगा, बम्बू, बम्बू मेघ, राउ कश, चोंग, चोंग नागा, नागा, महाराष्ट्र, लाओ,
यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो बहुत ही ईजी है ये, इसको आप सीधे बोल सकते हैं महाराष्ट्र लाओ महाराष्ट्र लाओ, ठीक है, आराम से बोल सकते हैं महाराष्ट्र लाओ महाराष्ट्र लाओ। राव कश्मीर, ये तो ये बहुत एग्जाम में आ चुका है, ये बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये राव कश्मीर का। तो जहाँ तक मेरी ये ट्रिक आप याद कर चुके होंगे। और फ्रेंड्स इस चैनल में वही वीडियो अपलोड करता हूँ जो एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।